हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज हम बात करेंगे जीएनएम फर्स्ट ईयर के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वन, व्हाट आर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ पीएचसी एंड राइट इट्स स्टाफ पैटर्न। स्टाफ पैटर्न और इसके जो प्रोवाइडेड सर्विस क्या है, फंक्शन क्या है, उसके बारे में लिखना। सेकेंड क्वेश्चन, What do you means by records and reports? Write in brief. ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, 15 नंबर का। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स के बारे में लिखना और इसके क्या होता है। क्वेश्चन थर्ड, Write a short notes on CHN bag techniques. Community health nursing bag techniques जो है उसके बारे में लिखना। इसके बाद क्वेश्चन फोर, Write in brief about WHO and its function. WHO के बारे में लिखना और इसका function। ये भी short notes जो question है 5 number या 6 number में पूछा जाता है। Question 5, Define vitamins. Write classification, sources and function of vitamins. ये 15 number का question है। Define vitamins, इसके classification लिखने, sources लिखने और इसके function लिखने। Question 6, What are community health service? Write scope of community health nursing. Community health nursing service के बारे में लिखना है और इसका scope क्या है, community health nursing वो लिखना है। इसके बाद question 7, Write the staff pattern at CHC का जो staff pattern है उसके बारे में लिखना है। Question 8, short notes 5 या 6 नंबर का, ये भी 5 और 6 नंबर का और ये भी 5 और 6 नंबर का question है। IMR और MMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मेटरनल मोर्टेलिटी रेट। क्वेश्चन 9, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में लिखना। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, नेशनल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन 10, डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ एंड एक्सप्लेन रोल ऑफ वेरियस रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्स के बारे में इसके जो फंक्शन है एक्सप्लेन है उसके बारे में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन सेफ वाटर, राइट इन डिटेल्स अबाउट सेफ वाटर प्यूरिफिकेशन ऑन स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल पर जो है लोअर लेवल पे उधर वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे उसके बारे में लिखना है। यह भी बड़ा क्वेश्चन है 15 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, राइट अबाउट इट्स टाइप्स एंड मैनेजमेंट। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है उसके बारे में लिखना है और उसका मैनेजमेंट क्या है, इसके जो टाइप्स है उसको भी लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन 13, राइट अबाउट प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। जो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है उसके बारे में लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन 14, राइट इन डिटेल्स अबाउट होम विजिटिंग एंड इट्स प्रिंसिपल्स। होम विजिटिंग क्या होता है और इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो लिखने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होम विजिटिंग क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन 15, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आशा। आशा होती है एसोसिएटेड क्रेडिट एसोसिएटेड जो होता है उसके बारे में सहयोगी होती है, उसका फंक्शन क्या है। इसके बाद क्वेश्चन 16, शॉर्ट नोट्स, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17, राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग एंड वेरियस कुकिंग मेथड। कुकिंग मेथड के बारे में लिखना और इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन 18, व्हाट डू यू मींस बाय हेल्थ एजुकेशन, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स जो है कम्युनिटी में उसके बारे में लिखना है, हेल्थ एजुकेशन क्या होती है उसके बारे में। ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन 19, राइट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स। शॉर्ट क्वेश्चन है 5 से 6 नंबर का, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स के बारे में लिखना है। माइनर एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डायरिया हो गया, हेडेक हो गया, कोई माइनर इंजुरी हो गई। इसके बाद क्वेश्चन 20, राइट अबाउट पाश्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। पाश्चुराइजेशन ऑफ मिल्क क्या होता है उसके बारे में लिखना है, ये 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21,
डिस्क्राइब एपिडर्मोलॉजी एंड डिस्क्राइब बेसिक टूल ऑफ मेजरमेंट इन द एपिडर्मोलॉजी और ट्राइड ऑफ एपिडर्मोलॉजी। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द वेरियस बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है और वेरियस बैरियर्स क्या है उसके बारे में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन 23, डिफाइन हेल्थ, राइट अबाउट डिमिनेशन ऑफ हेल्थ एंड इनलिस्ट फैक्टर डिमिनेशन ऑफ हेल्थ, इसके डिटरमिनिंग ऑफ द हेल्थ के बारे में लिखना है। ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसके नंबर क्वेश्चन 24, डिफाइन एपिडर्मोलॉजी, एक्सप्लेन एपिडर्मोलॉजिकल ट्रेज एंड राइट अबाउट लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डू यू मीन्स बाय रेफरल सिस्टम, रेफरल सिस्टम क्या है उसके बारे में लिखना है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं JNM फर्स्ट ईयर के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी के क्वेश्चन के नोट्स JNM फर्स्ट ईयर फंडामेंटल एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर साइंस और कम्युनिटी के नोट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है, साथ ही JNM सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के नोट्स भी अवेलेबल है। थैंक यू।